तुम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो, ये क्या टोपी ड्रामा है? कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमे, इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते, पागल तो नहीं है साले ये? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेस क्लबों में जाकर के देखो कितनी शराबें पी जा रही है, कौन माई का लाल बांधा करके बोलता है? अवाम की चाय यार, कोई खुदा का खौफ करो। अब यानी कल को जब अवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह से, कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें, या एक घंटा पंखा चला लें दूसरा घंटा ना चलाएं, और या बत्ती का इस्तेमाल कम कर दें, या फिर जब अवाम का जीना दूर कर दें, चाय एक एक दो दो प्यालियां पीना कम कर दें, और मुफ्त का मशवरा वो इसलिए जिसने पाकिस्तान बनने का ख्वाब देखा था। और कैसे बना था पाकिस्तान, याद होना चाहिए आप सब लोगों को, कितनी कुर्बानियां दी हमारे बाउजदाद ने, ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा आगे बढ़ाकर आप सीधे वीडियो के मेन भाग पर पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा छोटा सा क्लिप, पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑफिशियल तौर पर कह रही है कि भैया चाय पीना कम करो, चाय बाहर से आती है तो चाय बंद करो, आप समझ सकते हो। और वहीं पे दूसरा जो आफरीन बोल रहा है कि यहाँ पर खुलेआम दारू पी रहे हैं पाकिस्तान के लीडर, और काफरों के नाम पर ये शराब के ठेके दिए जाते हैं, और शराब के ठेके में सबसे ज़्यादा दारू मुसलमान पीता है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में अगर मुस्लिम आबादी है तो मुसलमान ही दारू पीते होंगे डेफिनेटली, तो ये काफिरों के नाम पर ठेके लिए जाते हैं लेकिन शराब मुसलमान पीता है, और चाय के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। फिज़ा खान बेचारी को तेल नहीं मिल रहा है, साबुन नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, उसका एक अलग रोना है। हालांकि मैं बता दूं, इन सब प्रॉब्लम को अगर क्रिएट किया है तो पिछले जो पुरानी गवर्नमेंट थी, अभी नई गवर्नमेंट को आए तो एक महीने नहीं हुआ, तो उस पर आप ब्लेम कर ही नहीं सकते। जैसे भारत में आपको पता है कि 70 साल 60 साल कांग्रेस का राज था, क्या क्या खामियां थी, तो डेफिनेटली आप जब पीएम मोदी आए तो गड्ढे बहुत बड़े बड़े थे जिनको भरने में काफ़ी समय लगेगा, ऐसा होता नहीं है। तो ऐसा ही कुछ सीन पाकिस्तान में भी रिपीट हो रहा है। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं टॉपिक पर बात। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब इसलिए दे रहे हैं ताकि हुकूमत को चाय की पत्ती बाहर से ज़्यादा इम्पोर्ट ना करनी पड़े, और ज़र मुबादला का इस्तेमाल जो है ना वो कम से कम करना पड़े। अब यानी कल को जब अवाम बेचारी बिल नहीं दे सकेगी महंगाई की वजह से, कहेंगे पंखा चलाना बंद कर दें, या एक घंटा पंखा चला लें दूसरा घंटा ना चलाएं, और या बत्ती का इस्तेमाल कम कर दें, या फिर जब अवाम का जीना दूभर कर देंगे मजीद महंगाई से, तो कह देंगे कि सांस लेना बंद कर दें, जीना ही छोड़ दें आप। ये किस किस्म के लोग हैं, कैसे मशवरे दे रहे हैं आप लोग आके? मेरा ऐसा इकबाल साहब से एक सवाल है कि अगर सब कुछ बेचारी कौम ने करना है तो फिर आप लोग इक्तदार से क्यों चिमट गए? अगर आप लोगों ने यही बेबसी के लाचारी के नोहे पढ़ने थे कि महंगाई है, आवाम ये कर दे आवाम वो कर दे, IMF के आगे हम लोग बेबस हैं, तो हम आवाम से कहेंगे कि आप जी चाय की जो पत्ती इस्तेमाल ही कम कर दें, एक कप कम पीना शुरू कर दें, आप ये कर दें आप वो कर दें, खाने का तेल कम इस्तेमाल करना शुरू कर दें। अगर आप लोगों ने भी इस तरह के मजाक ही करने थे अवाम के साथ तो सिर्फ इस सवाल का जवाब देते, फिर उनसे चलाने देते ना, उनको चलाने देते हुकूमत। आप लोगों को महंगाई का इशू था, बहुत से मसाइल थे, आप लोगों को आके बैठने की जल्दी थी, जब आपसे पूछा जाता था, मैंने 12 प्रोग्राम्स में पूछा था कि आप लोग करेंगे क्या, कैसे करेंगे महंगाई को कंट्रोल, जब ये चले जाएंगे इमरान खान साहब पीटे की हुकूमत चली जाएगी, आप लोग आ जाएंगे इक्तदार की कुर्सियों पर बैठ जाएंगे, क्या करेंगे, क्या फॉर्मूला आपके पास, क्या सोचा है आप लोगों ने, कोई सोल्यूशन है, कोई हल है? तो ये थे फिर हल, कि हल ये देंगे कि आप जो तेल है ना वो कम इस्तेमाल करें, चाय का कप एक एक कप कम कर दें, एक दो प्यालियाँ कम पीनी शुरू कर दें, यानी अगर आपको बिल तंग कर रहा है नहीं दिया जा रहा, पंखा चलाना बंद कर दें, बत्ती चलानी बंद कर दें, कल को कहेंगे सांस लेना बंद कर दें, जीना ही बंद कर दें। कौन लोग हैं आप इक्तदार? आप लोग चिमटे में इक्तदार के साथ और आवाम से कौम से कुर्बानियां मांगते चले जा रहे हैं। इक्तदार छोड़ दें, घर चले जाएं। अगर हर चीज की कुर्बानी बेचारी आवाम ने और कौम ने देनी है ना, आप घर चले जाएं। आप लोगों का तो बस नहीं चलता, आप लोग आवाम को जिंदा जमीन में दफन कर दें, क्योंकि आप लोगों को आवाम की फिक्र नहीं है। फिक्र ही क्या आप लोगों को, अगर आप लोगों को इतनी आवाम की वाकई फिक्र होती तो आप लोग वजीर आजम हाउस के खाबे कम करते सबसे पहले, सरकारी पैसों पर गैर जरूरी दौरे कम करते सबसे पहले। अगर इतनी आपको कौम का पैसा बचाने की फिक्र होती ना, आप लोग किफायतशारी से काम लेते पहले, प्रैक्टिकली आप लोग साबित करते कि हाँ हम कर रहे हैं किफायतशारी। लेकिन वजीर आजम हाउस को तो इश्तहारात पर बेदरीक पैसा जाया करने से फुर्सत नहीं मिले, और वो आवाम के बारे में कुछ सोचें, ऐसा कैसे हो सकता है? पहले फुर्सत तो मिले इनको अपने कामों से। अब ऐसा इकबाल साहब ने जो कौम से मुतालबा किया, मुझे उस पर यकीन जाने ज़रा भी हैरानी नहीं हुई। कर सकते हैं ये मुतालबा ऐसा इकबाल साहब, मुझे हैरानी नहीं हुई, दुख हुआ है, तकलीफ़ हुई है, क्योंकि फिर आइए लोग आते हैं बड़ी ढिटाई के साथ कहते हैं हम बहुत बड़े खैर ख्वाह हैं, हम रहबर हैं, हम आवाम के रहबर हैं, और ये फिर अब इस तरह की हरकत करते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स देते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है। हैरानी मुझे बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि कह सकते हैं, मुझे उम्मीद थी, तवक्को थी कि ये कुछ भी कह सकते हैं।
अभी कुछ दिन पहले मिफ्ता साहब ने भी आवाम को क्या मशवरा दिया था कि जिस घर में चार भाई हैं वो एक रोटी आपस में तकसीम करके खा लें। मिफ्ता साहब अब इस पर बहुत बेबाकी के साथ अपने इस बयान पर वजाहत पता क्या दे रहे हैं कि जी मैंने जो भाइयों वाली बात है, रोटी वाली मिसाल है, वो चार सूबों से मुतल्लिक कही थी कि जी एक रोटी है, चार सूबे मिलकर खा लें और जब हालात अच्छे हो जाएँ तो तमाम सूबे पूरी पूरी रोटी खा सकेंगे। अब मिफ्ता साहब कान इधर से पकड़ें उधर से पकड़ें, बात एक ही है, हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनको सिर्फ आवाम के मामले में ही बचत नज़र आती है, इन्होंने अपनी ज़ात को किसी सूरत खसारा नहीं होने देना। अभी हाल ही में शाहिद ककान अब्बासी साहब ने क्या कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा बिजली की लोड शेडिंग करके जो कई मिलियन डॉलर्स हैं बचाए जा सकते हैं, यानी आवाम बिजली के बिल की जो ढेरों रकम है वो भी अदा करें, लोड शेडिंग सख्त गर्मी के अज़ाब को भी बर्दाश्त करें, क्योंकि इन हुक्मरानों को तो आवाम ही कुर्बानी का बकरा लगते हैं ना। अब सवाल है कि मौजूदा हुकूमत के लोग आवाम की आंखों में धूल झोंकते हुए इमरान खान को मौशी बदहाली का जिम्मेदार कैसे ठहरा रहे हैं, हालांकि अभी हालिया दिनों में हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाला जो इक्तिसादी सर्वे है, कंजम्पशन है, सुबह चाय जब पीता है तो नाश्ता उसका चाय बिना होता नहीं है। इससे ज्यादा सब्र नहीं हो सकता, शराब पे क्यों बात नहीं हो रही है? बिल्कुल ऐसे ही है, शराब पे क्यों बात नहीं हो रही, मौत आती है बात करते हुए। एक मिनट, अब टोकिएगा नहीं, कितने साफी शराब पीते हैं नाम ले सकते हैं? कितने आज़ाद इदारे वाले शराब पीते हैं नाम लेंगे? एहसन इकबाल को पेट में मरोड़ उठ रहे थे इसलिए कि अंकल लोग इनको बेरोज़गार कर देंगे? कौमी मफाद वाले कितनी शराब पीते हैं इनका नाम लेंगे? एक आम आदमी तुम्हें टैक्स दे रहा है, तुम फ्री में कुछ नहीं दे रहे हो, ये क्या टोपी ड्रामा है? कल से कहोगे नंगे घूमो तो नंगे घूमें इसलिए कि हम कुछ नहीं बनाते, पागल तो नहीं है साले ये? विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे उल्टी सीधी बातें करनी पड़ रही हैं, जो आज़ाद इदारा जो कौमी मफाद तय करेगा वो होगा इस मुल्क में, कल से वो कहेंगे मैं एक पाँव का जूता पहन करके आऊँ तो मैं इन लोगों का मुलाजिम हूँ, ये मेरे हाथ की चाय छीनेंगे, ओ भाई मेरे गले में हाथ डाल करके ये टैक्स लेते हैं, फोकट में मुझे कुछ नहीं मिलता, यहाँ पे प्रेस क्लबों में जा करके देखो कितनी शराबें पी जा रही हैं, कौन माई का लाल बांधा करके बोलता है? आवाम की चाय यार, कोई खुदा का खौफ करो, खुदा का खौफ करो यार, मतलब इंटेलेक्चुअल, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं जुमला नहीं बोलना चाह रहा था लेकिन बोलना पड़ रहा है, एहसन इकबाल को क्या हो गया? इंटेलेक्चुअल प्रोस्टिट्यूशन की भी कोई हद होती है? अवाम के हाथ से चाय की प्याली लेकर के तुम इस मुल्क को चीन, जापान, तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, अगर आप यहाँ से वीडियो छोड़कर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ, अब आगे और कुछ नहीं है वीडियो में। तो देखा आपने किस तरीके से फिज़ा खान रो रही है, हालांकि मैंने आपको क्लियर बताया कि पाकिस्तान में अभी करंट जो गवर्नमेंट आई है शहबाज शरीफ की, उसमें जो जो अभी पाकिस्तान में प्रॉब्लम आ रही है मैं बोलना चाहता हूँ, उसमें वो कुछ कर ही नहीं सकता बंदा, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि भाई जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान में वो सीधी बात है वो पुरानी गवर्नमेंट की है, उसको आके सीधा उसको प्रॉब्लम का मतलब प्रॉब्लम बस और कुछ मिला नहीं, तो वो तो अब डेफिनेटली डॉलर के रेट बढ़ेंगे तो उसको बढ़ाने पड़ेंगे। जो प्रॉब्लम आ रही है, हम बाहर से जो पाकिस्तान सामान लेता है, चाय लेता है, गाड़ियाँ बुलवा, हर चीज़ तो बाहर से ही लेता है जो जो मतलब आती है, बाकी तो इनका कुछ है नहीं। आजकल इनके ऐसे हालात हैं कि इनको गेहूं तक बाहर से लेना पड़ रहा है, आप समझ सकते हो पाकिस्तान एक कृषि प्रधान देश है और गेहूं तक बाहर से ले रहा है, तो आप मुल्क के हालात समझ सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो खत्म होता है, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट में अपनी राय दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद।